दोस्तों जामिया एडमिशन टॉक में आपका फिर से स्वागत है। ये एपिसोड 6 है। मैं जामिया एडमिशन टॉक के 5 एपिसोड बना चुका हूं और ये सारे जो भी एपिसोड होंगे जामिया एडमिशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। अगर आपको लेना है जामिया में एडमिशन या आप किसी भी फैमिली मेंबर्स को दिलवाने वाले हैं जामिया में एडमिशन, तो ये सारे एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाई वन करके सारे एपिसोड देख लेंगे। ज्यादा एपिसोड नहीं होने वाले हैं, 10 से लेकर 15 के आसपास में ये एपिसोड होंगे, लेकिन बहुत काम का एपिसोड होंगे। ये है एपिसोड 6 और इस वीडियो में बात करेंगे क्या जामिया में पैसे देके एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या जामिया में पैसे देकर यानी घूस देके फ्रॉड करके अपने जगह किसी दूसरे को एग्जाम में बैठा के क्या जामिया में एडमिशन हो सकता है या नहीं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्या सर इस साल मेरा रेगुलर कोर्स में नहीं हुआ है तो क्या मैं पैसे दे के जुगाड़ लगा के मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि जामिया मिले इस्लामिया का पूरा नाम है JMI, जामिया मिले इस्लामिया। बहुत लोग JMI को बोलते हैं जुगाड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जामिया मिले इस्लामिया की जगह जुगाड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कहते हैं JMI का। तो दोस्तों क्या ये सही है, गलत है, क्या ऐसा होता है नहीं होता है, पूरी वीडियो में कंप्लीट अच्छे से आपको बताने वाला हूं। क्या आप पैसे देके जामिया मिले इस्लामिया में एडमिशन ले सकते हैं, क्या आप अपने जगह पे किसी दूसरे को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठा के एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, यही है इस वीडियो का टॉपिक। तो दोस्तों ऐसा क्यों स्टूडेंट चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह जामिया में एडमिशन हो, क्यों दुनिया जामिया के पीछे भागती है कि मेरा एडमिशन हो, क्यों ऐसे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि जामिया में किसी ना किसी तरह से इस साल तो एडमिशन मेरा पक्का हो जाए, क्यों चाहते हैं, उसका रीजन सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जामिया मिले इस्लामिया देश की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चुकी है। कितना? नंबर 1। पिछले साल की बात करें 2019 में तो जामिया मिले इस्लामिया ने नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीता है। क्या जीता है? नॉर्थ जोन, यानी नॉर्थ जोन में, नॉर्थ इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इंक्लूडिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत टाइप्स की यूनिवर्सिटी है नॉर्थ इंडिया में, और पूरे नॉर्थ इंडिया के चैंपियन पिछले साल के रही बास्केटबॉल टूर्नामेंट में जामिया मिलिया इस्लामिया। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे के न्यूज है, बाकी आप किसी भी सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं कि जामिया नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल में पिछले साल की चैंपियनशिप रही है। इसके बाद देखेंगे नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी में हॉकी में, देश का जो नेशनल गेम है हॉकी, उसमें भी जामिया नंबर 1 रही है। इसीलिए जामिया में लोग एडमिशन लेने आते हैं, क्योंकि जामिया में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है, नौकरी भी मिलती है, खेल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिल्म में, टीवी में। अभी आपको मैं बताता हूं, यूपीएससी का जो फ्री कोचिंग होता है जामिया मिले इस्लामिया फ्री में कोचिंग करवाता है, जिसका नाम है नीचे देखिए सेंटर फॉर रेजिडेंशियल एंड करियर प्लानिंग, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है जामिया मिले इस्लामिया का, जो इस साल 2020 के न्यूज है 25 अक्टूबर के कि प्रीलिम्स में 101 छात्रों ने बाजी मारी है जिसमें 16 लड़कियां हैं। तो जामिया कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी डे बाई डे बढ़ती जा रही है कि यूपीएससी देश का सबसे बड़ा कठिन एग्जाम होता है, IAS बनना, IPS बनना, उस एग्जाम में इतने अच्छे स्टूडेंट जामिया से क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने पिछले साल 30 IAS IPS बने, जिससे क्या हुआ कि एक जामिया जिहाद के नाम से जाने जाने लगा। एक बड़ी मीडिया चैनल ने एक एपिसोड चला दी कि जामिया में यूपीएससी जिहाद हो रहा है, जामिया से पढ़ने वाले स्टूडेंट यूपीएससी निकाल रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि ये 101 छात्रों में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नॉन मुस्लिम है, यानी हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, ज़ोरोएस्ट्रियन है, यहूदी है, उसके बाद क्रिश्चियंस हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि जामिया में सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ते हैं, इनकी ये डाउट है। ये डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जामिया में सिर्फ मुस्लिम लड़के नहीं पढ़ते हैं, जामिया में आधे से ज्यादा हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन पढ़ते हैं। तो जामिया से इस साल, पिछले साल तो IAS IPS तो निकाले हैं, इस साल 101 छात्रों ने प्रीलिम्स में बाजी मारी है। मैंने आपको दिखा दिया कि हॉकी के चैंपियनशिप रही है, हॉकी देश का नेशनल गेम है, उसमें जामिया नंबर 1 है। उसके बाद बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, अब बात आते हैं साइंटिस्ट में, क्योंकि पढ़ाई की बात करें तो साइंटिस्ट की बात करनी जरूरी है। फिर मैं बताऊंगा कि पैसे से आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि क्या पैसे देके जामिया में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, क्या हम फर्जी से फ्रॉड करके जामिया में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, वो क्लियर करूंगा। लेकिन क्यों इसमें ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि पैसे देकर भी एडमिशन लिया जाए, क्यों चाहते हैं, क्या कारण है, क्या जामिया की खासियत है, वो मैं बताता हूं। तो आपको हॉकी बता दिया, क्रिकेट बता दिया, बास्केटबॉल बता दिया, IAS IPS में सबसे ज्यादा निकालते हैं। अब बात आते हैं साइंटिस्ट में। साइंटिस्ट में 5 नवंबर को न्यूज है कि 5 नवंबर को न्यूज है, और एक फोटो आप देखे होंगे, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया गया होगा। इनका नाम है इमरान अली, ये साइंटिस्ट साहब है, और इनका फोटो क्यों व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ है ये भी जान लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर इमरान अली रैंक्ड नंबर 1 साइंटिस्ट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में नंबर 1 साइंटिस्ट हो गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्रिकेट खेल की बात और यूपीएससी की बात के बाद अब पढ़ाई की बात करते हैं कि जामिया नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों है। जामिया का नंबर 1 साइंटिस्ट है पूरे इंडिया में एनालिटिकल केमिस्ट्री में, नंबर 1 है कौन? इमरान अली। आप न्यूज सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर दीजिएगा, ये इंडिया टुडे की न्यूज है,
नवंबर 5, 2020 में अपडेट किया गया है। इसमें लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एडजर्ड जामिया प्रोफेसर इमरान अली एज नंबर वन साइंटिस्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन इंडिया और 12th रिसर्च फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अमंग द टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट। पूरी दुनिया का टॉप 2% साइंटिस्ट है उसमें इमरान अली साहब भी है। फोटो देख लीजिए, ये है, आपको व्हाट्सएप पे यही मिला होगा। तो जामिया पढ़ाई में नंबर वन है, यूपीएससी आईएएस में क्वालिफाई करने में नंबर वन है, खेल में हॉकी हो या बास्केटबॉल हो या क्रिकेट हो उसमें नंबर वन है। उसके बाद बात करते हैं अब पैसे से इसमें एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। पढ़ाई की बात हो गई, साइंटिस्ट की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जामिया से पढ़े हुए हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग साहब है, शाहरुख खान साहब है, मोनी रॉय है, लवलीन टंडन है, निहारिका आचार्य है, कबीर खान साहब है और बहुत सारे, इवन जो माइक्रोमैक्स कंपनी का फाउंडर है, को फाउंडर जैन साहब, वो भी जामिया से पढ़े हुए हैं। इसलिए जामिया में पैसे दे के भी एडमिशन लेने के लिए लोग तैयार है। अब बात आती है, क्या आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम दे के आपका एडमिशन करवा सकता है कि नहीं, वो बात अभी करते हैं। देखिए, अभी 15 अक्टूबर को एक नाबालिग छात्र गिरफ्तार हुआ था, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से एक नाबालिग छात्र गिरफ्तार किया गया है। क्यों किया गया है ये न्यूज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया में, देखिए ANI के नाम सुने होंगे, आजकल देखे होंगे जहां भी कोई नेता का भाषण होता है या नेताजी का इंटरव्यू लिया जाता है वो ANI वहां पे पहुंचा रहता है। ANI ने 15 अक्टूबर को ये ट्वीट किया है कि अ माइनर अप्रिहेंडेड फ्रॉम जामिया यूनिवर्सिटी व्हाइल ही वाज अपीयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन प्लेस ऑफ अनदर कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट के बदले दूसरे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे तो उनको पकड़ा गया है। वही ये लिखा गया है कि नाबालिग छात्र गिरफ्तार है, ये किसी और के भैया एग्जाम दे रहे थे। तो इन्होंने मास्क लगाया हुआ था क्योंकि अभी कोरोना का दौर है, तो मास्क लगाने के बाद भी पकड़े गए हैं। अगर मास्क नहीं लगाते तो पकड़े तो जाते ही जाते, मास्क लगाने के बाद मास्क उतरवा को इनको पकड़ा गया है। तो जामिया में दूसरे के जगह पे बैठ के देना एग्जाम आसान नहीं है। और ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज, ये द हिंदू के न्यूज है, द हिंदू के न्यूज में देखिए टीन अप्रिहेंडेड फॉर प्रॉक्सी एग्जाम राइटिंग, 16 अक्टूबर के इन्होंने छापा है द हिंदू में, द हिंदू का न्यूज आप देख सकते हैं, द हिंदू में छापा है कि एक टीन पकड़ा गया है जामिया मिलिया इस्लामिया में दूसरे के एग्जाम देते हुए। आउटलुक में देखेंगे तो वहां पे भी हेडलाइंस में लिखा हुआ है कि टीनेजर बॉय अरेस्ट किया गया फॉर अपीयरिंग इन द जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल कैंडिडेट, ओरिजिनल कैंडिडेट के बदले ये दूसरे के एग्जाम दे रहे हैं तो पकड़े गए हैं। बाकी द टाइम्स ऑफ इंडिया द वीक की देखेंगे तो यहां पे भी लिखा हुआ है कि टीनेज बॉय अप्रिहेंडेड फॉर अपीयरिंग इन द जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल कैंडिडेट, ये द वीक के न्यूज है। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखेंगे तो ये 2011 में भी ऐसा हुआ था कि बीटेक के स्टूडेंट की जगह एक दूसरा बीटेक के स्टूडेंट के एग्जाम दे रहा था तो वो भी पकड़ा गया था। आप द टाइम्स ऑफ इंडिया में 29 अप्रैल 2011 का न्यूज देख सकते हैं। तो 2011 यानी आप समझ लीजिए 9 साल पहले भी एक स्टूडेंट पकड़ा गया था और इसके मतलब स्टूडेंट आके एक दूसरे के बदले बैठते हैं। इससे तो ये साबित हो गया कि पकड़े वही जा रहे हैं जो दूसरे के जगह पे बैठते हैं। तो क्या पकड़े नहीं जाते हैं? तो ये गलत है। यानी अगर आप कोशिश करवाते हैं या कोई कोशिश करवाता है कि अपने जगह किसी दूसरे को बैठा के एग्जाम दिलवाए तो वो ऐसे ही अरेस्ट हो जाएगा और हेडलाइंस बनेगा और फिर जब मीडिया में आ जाएगा तो वो बंदा तो बच नहीं पाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जामिया में अपने जगह किसी और को बैठा कर एग्जाम निकवा लें तो आप बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात आती है पैसे देके आप करवा सकते हैं कि नहीं। अब पैसे किसको आप देंगे, किसको देंगे? कोई एक सिंगल पर्सन है जिसको देंगे? बीच में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते होंगे जो आपसे अप्रोच करते होंगे, मुझे 5 लाख 10 लाख दीजिए आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो बीटेक का पहले जो एग्जाम्स होता था जामिया खुद लेती थी लेकिन अभी जेई मेन के थ्रू हो गया है तो अब उसका बात खत्म। बीडीएस का जो एग्जाम है वो नीट के थ्रू हो गया है और भी बहुत सारे एग्जाम है जो अदर एजेंसी जो लेना शुरू हो गया। तो आप पैसे से तो भूल जाइए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चला गया है बहुत सारे कोर्सेज का एडमिशन। अब भी फिर भी आपसे कोई अप्रोच करता है और बोलता है कि मैं आपका तो करवा दूंगा या करवा दूंगी तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए, पैसे से कभी भी जामिया में एडमिशन नहीं होता आ रहा है। अगर होता है कोई ऐसे बात करता है तो पकड़ा भी जाता है, आप ये हेडलाइंस देख सकते हैं। और आप गूगल पे जामिया फ्रॉड एग्जाम कुछ भी लिखेंगे कि जामिया में फ्रॉड हुआ या जामिया एग्जाम में एक दूसरे की जगह पे बैठा तो गूगल पे आपको सर्च करके बताएगा कि इतने कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। तो इस कोरोना महामारी में जब स्टूडेंट पकड़े जा सकते हैं तो नॉर्मल डेज में तो बिल्कुल चेहरा खुला हुआ रहता है, उसमें पकड़ने का पकड़ाने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो कभी ये भूल ना करें कि किसी को पैसे दे के आप एडमिशन करवाएं तो आपका भी करियर खराब और जो दूसरा देगा आपके बदले उसका भी करियर खराब। पैसे लेके करेंगे वो भी यही काम करता है करेगा तो यही पकड़ा जाएगा लेकिन जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स है उसकी पूरी जिंदगी भर में हो सकता है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो। तो पैसे से बिल्कुल जामिया में एडमिशन नहीं होता है। आप अपनी जगह किसी दूसरे को बैठाएंगे उसको भी खारिज कर दिया जाएगा, उसको भी पकड़ा जाएगा। तो कोई भी फ्रॉड से जामिया में एडमिशन नहीं होगा। जामिया में एडमिशन लेना है तो 10 साल का पिछले साल का पेपर्स एक साल में सॉल्व कीजिए, अगर 10 साल नहीं तो 5 साल डिटेल सॉल्यूशन के साथ अगर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका जामिया में होना बिल्कुल तय हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर जाता है, वैसे कोर्स में अप्रोच कीजिए। एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर दूसरे कोर्सेज में लेना आपका आसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो मन में डाउट था क्या मैं दूसरे की जगह पे
खुद बैठ सकता हूं या मैं अपनी जगह किसी दूसरे को बैठा सकता हूं, तो ये दोनों बिल्कुल गलत है, इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा जिसने किया है वो पकड़ा गया है और आप भी पकड़े जाएंगे। अगर किसी को पैसा देकर करवाना चाहते हैं तो भी ओरिजिनल कैंडिडेट्स को हमेशा खोजा जाएगा और जीवन भर के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा। हो सकता है कि देश के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़, जामिया, बीएचयू, डीयू और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, उससे आपको खारिज कर दिया जाए। तो ऐसे फ्रॉड में ना पड़े, टेस्ट की तैयारी करें। टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करना है बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। और जामिया से अगर डिग्री ही लेना है तो बहुत टाइप्स के कोर्स होते हैं, लास्ट में वीडियो छोड़ के जाऊंगा, जरूर देखिएगा कितने टाइप्स के कोर्स में एडमिशन्स होता है। डिस्टेंस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना टेस्ट का, प्राइवेट में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना टेस्ट का। तो डिस्टेंस से कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं सेल्फ फाइनेंस जिसमें कट ऑफ बिल्कुल लो जाता है। तो कितने टाइप्स के कोर्स होते हैं मैं लास्ट में एक वीडियो छोड़ के जाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जो बिना टेस्ट के होंगे, जो बिना टेस्ट के जामिया का डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि जामिया खेल में भी आ गए हैं, पढ़ाई में भी आ गए हैं, फिल्म में भी आ गए हैं, क्रिकेट में भी आ गए हैं, फुटबॉल में आ गए हैं, हॉकी में आ गए हैं, बास्केटबॉल में, आईएएस में, आईपीएस में, देश में जितनी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन होती सब में आगे हैं। तो आगे जाने के लिए अगर जामिया का आपको डिग्री चाहिए, क्योंकि जिसका नाम अच्छा होता है अगर उसका डिग्री आपके पास है तो आपका भी नाम अच्छा होगा। अगर आईआईटी, आईएम, एम्स का नाम बड़ा है तो अगर आप उससे जुड़े हैं तो आप भी बड़े हैं। अगर गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसमें आप जॉब करते हैं तो आपका भी रेस्पेक्टेबल नाम होता है। तो जामिया इतनी बड़ी संस्था है, अगर आपको डिग्री लेनी है तो बहुत सारे ऑप्शन है, प्राइवेट कोर्स है, डिस्टेंस कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, रेगुलर कोर्स है। तो कौन कौन से कोर्सेज है, कैसे एडमिशन होता है, मैं एक वीडियो छोड़कर जाऊंगा, उसको पूरा देखिएगा और जो आपको समझ में आएगा, जो आपके लिए आसानी होगा उसमें आप एडमिशन लीजिएगा। और ऐसे यूजफुल एडमिशन टॉक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एपिसोड में, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।